ट्रस्ट, उनकी तरफ से नेशनल इंटीग्रिटी और कम्युनल हार्मनी के लिए आज ये जलसा मुनक्किद किया गया है। और ये जलसे की ख़ास ये बात है कि यहाँ पर ये जो एनजीओ है, ये मौलाना एजाज अहमद जी जो इसके अध्यक्ष सदर है, इन्होंने बहुत दिनों से बहुत अच्छे काम चलाए हैं। और इन्होंने मुझसे आकर के कहा कि हमको इस तरह का जलसा मुनक्किद करना है। तो मैंने इनसे कहा कि ये बहुत बड़ी बात है, आज के माहौल में इस मुल्क में जो फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से लोगों में तफरका डाला जा रहा है, लोगों में हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी जा रही है, ऐसे मौके पर एनजीओ का काम है, कोई भी जात धर्म के एनजीओ हो, इनका ये काम है कि लोगों में भातृभावना और लोगों में मोहब्बत और प्यार का संदेश दे और लोग एक साथ में रहे। ये इलाका मेरा जाना हुआ है, बहुत साल तक इसकी नुमाइंदगी में मैंने की है नुमाइंदगी, और मैं जानता हूँ कि यहाँ हर एक जात धर्म के लोग एक साथ मिल करके बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं। और मैं कहूँगा मौलाना साहब को ख़ास मुबारकबाद दूंगा कि आज इन्होंने कंप्यूटर क्लास का उद्घाटन भी रखा है। ये कंप्यूटर क्लास गरीब बच्चों के लिए, जो बच्चे क्लास में फीस भर के नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। क्योंकि ये ऐसी बस्तियों में, हमने जब हमारी सरकार थी और मैं माइनॉरिटी का सेक्रेटरी दिल्ली में, पूरे इंडिया के सभी स्टेट का इंचार्ज सेक्रेटरी था मैं, और रहमान खान साहब हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे। आपने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में एनजीओ के लिए सीखो कमाओ प्रोग्राम बनाया था, और इस प्रोग्राम के तहत एनजीओ को फाइनेंशियल हेल्प, आर्थिक मदद करके ऐसी बस्तियों में जहाँ पर गरीब बच्चे सीख के कुछ कमा सके, जो पढ़ाई नहीं कर सके हैं, जो गरीब है, साहब सैयद कासिम अशरफ अशरफी, जिनको सिर्फ कासिम मियाँ के नाम से हम जानते हैं, मेरा करीब 25 साल से इनसे ताल्लुकात है, और ये पूरे देश में करीब 3 से 4 करोड़ लोग इनके मानने वाले होंगे। और जगह जगह पर ये, मैंने इनको गुजरात में देखा है, मैंने हुबली में इनको देखा, वेस्ट बंगाल में देखा, पूरे भारत में जगह जगह ये जाते हैं। और ख़ास साहब भी बहुत दूर से आए हैं और यहाँ पर अभी आने वाले हैं, और ये संदेश मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। थैंक यू सर। हाँ सर, ये कैसे? हमारे ख्वाहिश थी मखदूम सिन्हा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, हम उन्हीं की बारगाह से वहीं से मुरीद हूँ, और उन्हीं के सदक़े में जो भी हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनके ज़रिए अल्लाह दे रहा है हमको। और ख्वाहिश पैदा हुई कि भाई हम एक बुज़ुर्ग के ख़ानदान से मुरीद हों, तो उनके नाम से जो एक प्रोग्राम करें यहाँ पे, और ये हमारा 11वां 12वां प्रोग्राम है, हर साल हम इसे करते चले आए हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बस यही ख्वाहिश है कि हमारे इस प्रोग्राम से लोगों को एक नसीहत मिले और आपस में प्यार मोहब्बत हो, भाईचारगी पैदा हो, ताकि हमारे इस कॉन्फ्रेंस से लोगों को फ़ायदा पहुँचे, है ना, और कामयाबी मिले। कुतुब सिमा फाउंडेशन की तरफ से हमने कंप्यूटर क्लास चालू किया है, जो गरीब बच्चों के लिए फ्री रखा है, और सिलाई का भी क्लास हमने चालू किया है इंशाल्लाह ताला, उसमें भी बच्चे आना शुरू हो गए हैं। ये मैंने ईट भट्टी में रूम लिया है, वहाँ पे चालू किया है, कंप्यूटर क्लास यहीं चालू किया है। तो हम ये सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी गरीब बच्चे हैं वो इस चीज़ को सीखें और आगे उनको कामयाबी मिले, ताकि उनकी जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसके पास सीखने के लायक नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, कहाँ जाए, तो इस बिना पर हमने ये सोचा कि मखदूमे सिन्हा ट्रस्ट की तरफ से ये प्रोग्राम किया जाए, ताकि गरीब बच्चे भी इसमें सीख कर कामयाबी हासिल कर सकें। इसका है ना कि हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग आए, जलसे में आए, अल्लाह ताला आप लोग को भी कामयाब करें। क्या मैसेज देंगे ऑडियंस को? जो कुछ मौलाना इज रिप्रेजेंटिंग, दे आर डूइंग ए वेरी एक्सेलेंट वर्क। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस एनजीओ इज टू ब्रिंग यू नो ऑल पीपल टुगेदर irrespective of caste, religion or anything. That's a very, you know, effective way to have an NGO. And they do a lot of computer training work, and my background as a CEO of a software company, I would like to help them in providing software
for any assistance that is required. So inshallah, let's look for that, and I wish him all the best for this effort that is going. Sultan ul Hind Makhdoom e Simna conference ke sajaya gaya hai, isse ye paigham dena chahta hu ki aaj bahut se log hamare is mulk ko tabah o barbad karne ke tarah tarah ke tarz apna rahe hain. Kai Hindu Muslim fasadat kara ke, kai हिंदुओं की भावनाओं को भड़का करके, कई मुसलमानों की भावनाओं को भड़का करके वो चाहते हैं कि हम इस देश के तमाम गुलशन को ताराश कर दें, लेकिन हमारा गुलशन इतना कमज़ोर नहीं है. याद रखें कि बख्शा है मुझको इस चमन ने नक्श हाय रंग रंग, बख्शा है मुझको इस चमन ने नक्श हाय रंग रंग, मुत्तहिद होकर चलें जो कारवां के संग संग. और शेर देखें, जो लोग हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद करने का ख्वाब देखते हैं, तो उनके लिए पैगाम देना चाहता हूँ. बनाम आतंकवाद के जो लोग कहते हैं, आशियां मेरा नहीं पतझड़ के मौसम की तरह, आशियां मेरा नहीं पतझड़ के मौसम की तरह, जो एक झोंके में अलग कर दे हमारा अंग अंग. हैं यहाँ हिंदू और मुस्लिम, सिख ईसाई और सभी, एक चमन के फूल हैं हम और जुदा है रंग ढंग. प्यारे, ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि